केस में इमरान खान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बर्बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सरकारी वकील ने भी वज़ीर आज़म की बर्बरियत की हमायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक फ्रांसीसी मुफक्किर का कॉल शेयर कर दिया। कहा, उस फ्रांसीसी ने शानदार अल्फाज में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने गुस्ताखाना खाकों का मसला आलमी स्तर पर उजागर कर दिया। मुस्लिम सरबराह ने मुमलिकत को खत यकजुबान होने की जरूरत पर जोर। मगरबी दुनिया को बताना होगा कि हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक क्या अकीदा है। पाकिस्तान समेत सारे आलिम इस्लाम में ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर। आशिकाने रसूल ने हर गली कोचा रोशनियों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया। जगह जगह पुरनोल मुहाफिल का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में कोरोना फिर से सर उठाने लगा। एक ही रोज में मरने वालों की तादाद 16 हो गई। अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 6,775 होगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। 70 रोज बाद कोरोना मस्बत आने की शरह 3% रही। NCAC ने आज से अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मास्क ना पहनने वाले को जुर्माना किया जाएगा। कारोबारी मराकज, शादी हॉल और होटल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और तफरी मुकामात शाम 6 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्कियां और तंदूर 24 घंटे खुले रहेंगे। लाहौर शहर में मौसम तब्दील होने के साथ ही स्मॉग में इजाफा हो गया। शहर में दिन के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 तक पहुँच गया। आलूदगी की शरह बढ़ती जा रही है। मुमकिन बीमारियों से बचने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।